ए हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ पंजाब में मुक्सर मंडी में, और अमन से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि अमन ने कहा कि दो दिन पहले मंडी लग जाती है, दशहरे के दो दिन पहले। अमन जी, ये गलत इन्फॉर्मेशन आपने क्यों दी मुझे? नहीं, सर ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा, नहीं तो मंडी तो भर जाती अभी। आज देखो क्या मुझे है ना, पूरे मंडी में वो दो घड़े है ना, दो घड़े वो तो है, वो दिख रहे अभी शाम तक घोड़े घोड़े हो जाएंगे, और शाम तक हो जाएंगे। उधर देखो घोड़े तो आ गए हैं, बहुत कम घोड़े हैं। मैं तो गिन उंगली पे गिना सकता हूँ कि 21 से ज्यादा घोड़े नहीं होंगे, 21 या 25 से। ये बात तो सही है आपकी, ये बात तो सही है, वरना ये खचाखच भरा होता है सारा का सारा। अभी कल शाम तक, सॉरी शाम तक आज भर जाएगा। बट क्या वजह है अमन, देखो दशहरा कल है, ये बात तो सही है आपकी, जनरली दो दिन पहले, माघी के टाइम पे भी दो दिन तीन दिन पहले चल जाता है। उस टाइम मौसम अच्छा होता ना, उस टाइम सभी फ्री होते लोग। अभी हमारे इधर धान की कटिंग चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा किसान भी बिजी है, इसलिए थोड़ा सा घोड़े आने में देरी हो रही है, गर्मी ज्यादा है। पर गर्मी ज्यादा होती तो फिर जगराव नहीं भरता ना, जगराव तो कैसा खचा खच भरा हुआ था। जगराव तो भर गया था ना, वो फर्स्ट मेला था, कोरोना के बाद फर्स्ट मेला था पंजाब में, इसलिए वो एकदम भर गया, जल्दी भर गया वो। अभी ये दूसरा मेला लग रहा है, थोड़ी सी अगर धान की कटिंग चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, भर जाएगा। पर अगर दशहरा कल है तो देखिए यहाँ पे भी टेंट वेंट लगनी शुरू हो जाती थी ना। हाँ, टेंट तो लगने शुरू हुआ, टेंट तो लगने शुरू हो गई, लगा भी रहे हैं देखो इधर, ते शाम तक भर जाएगा मेला, तो शाम तक के शाम तक बहुत घोड़ियां आ जाएंगी। रास्ते में देखा ना हमने भी, आते वक्त घोड़ियां बहुत, ट्रैक्टर ट्राली पर घोड़ी बहुत ज्यादा आ रही है। मेन जो दिन होगा कल होगा, कल होगा मेन दिन, कल को भी आना है दशहरे के दिन। हाँ, परसों भी चलेगा फुल, 16 को भी फुल चलेगा, फुल घोड़ा भरे आएगा, सभी घोड़े आ जाएंगे परसों तक। तो आपका क्या हाल है, आपका टेंट ये वाला बन रहा है? हाँ, इस बार जे टेंट लग रहा है। बट आप भी थोड़ा निराश लगे हो ना, क्योंकि आपने कहा था कि गए साल क्या हाल था, गए साल भी तो कोरोना था, गए साल भी मंडी लगी थी। हाँ जी, बात एक दिन पहले आ गई थी पब्लिक। हाँ आ गई थी, अभी आ रहे हैं, बस आ जाएंगे इसकी, इस बार थोड़ा सा उम्मीद है, उम्मीद बहुत है, लेकिन कोई तो वजह होगी ना। नहीं वजह तो बस यही बता दिए ना आपको, थोड़ी सी गए टाइम भी तो वो फसल कट रही हुई थी, गए साल भी गर्मी होती है। ये बार नहीं, इस बार गर्मी ज्यादा, ये बार आपको भी मालूम होगा ना, इस टाइम गर्मी ज्यादा है। ये बार रात में भी इतनी ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, पिछली बार तो रात में पूरी ठंड हो गई, ठंड हो गई थी। अभी मुझे याद है जगराव में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था, मुझे बोला अरे अभी तो रात में कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वैसा हाल नहीं है अभी, प्लेजेंट है, गर्म नहीं है लेकिन ठंड। जगराव में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, जगराव में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी उस टाइम, उस टाइम भी घोड़े दो एक दो दिन ही रहे घोड़े, नहीं फिर तो निकल गए सभी घोड़े। जगराव जो मंडी पड़ती है वो मेन हाईवे पे भी पड़ती है, तो पब्लिक को आसान भी हो जाता, आसान हो जाता है, जे साइड पर है ये, बहुत अंदर बहुत बहुत साइड पर है, बहुत अंदर घुसना पड़ता है। जी जी, पर मशहूर मंडी है जी, पब्लिक तो आएगी नो डाउट। सबसे बेस्ट मंडी जो मुझे पर्सनली लगती है और मुक्सर की मंडी, सबसे सबसे ज्यादा मजा आता है। माघी वाली मंडी तो आपको पता ही मालूमी है, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर, पैर क्या बाहर, गाड़ी हमें गाड़ी बाहर छोड़ के आनी पड़ती है, उतना लंबा चढ़ के आना पड़ता है चल के। इस बार थोड़ा सा है, अभी नहीं शाम तक आ जाएगा, कल तो फुल भर जाएगा मेला। ओके, फुल हो जाएगा, सभी घोड़े आ जाएंगे पॉजिटिवली। अगर जिस किसी को भी आना है, देखिए अगर आप गूगल, अगर आप नए हो बंदे, तो मुक्सर हॉर्स फेयर आप डालोगे गूगल मैप्स पे तो ये लोकेशन आ जाती है, लोकेशन आ जाएगी, आप आइए। आई थिंक ये बाईपास से, हाँ बाईपास भी चलता है, बाईपास पे है। और मैं तो रुकता हूँ जनरली भटिंडा में, और भटिंडा से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। जी जी जी, ठीक है। आने में अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल कैब कर सकते हो, या तो बसें रेगुलरली चलती है श्री मुक्सर साहिब, और श्री मुक्सर साहिब पे उतरने का है, और वहाँ से ऑटो पकड़ के आप यहाँ पर आ जाइए मंडी में, सभी को पता है कहाँ पर आ जाएंगे। आज दोपहर के बाद हमारी भी घोड़ी 5-6 घोड़ी आ जाएंगी, अभी टेंट लग रहा है, घोड़े कल को आएंगे। कोई नया घोड़ा आया कि वही? नहीं, घोड़ा एक हमारे साथ आएगा, हमारे फ्रेंड का एक नुकरा घोड़ा और आएगा, दो अपने घोड़े, एक पवन एक ऑस्कर आ रहा है। गामा तो हमने सेल कर दिया, हमने वो कवर किया था पहले, कवर पिछली मागी देना कवर किया, पवन भी किया था मेरे, पवन भी किया था, आपने गामा, गामा तो गया, गामा सेल कर, गामा तो सेल कर रहा। इस बार हमारे फ्रेंड का एक घोड़ा आएगा, ये उसके लिए तैयारी हो रही है सभी। तो ये है अमन भाई का टेंट। जी जी, ठीक है। उषा ब्राड मेरा फ्रेंड है, पार्टनर, दोनों का साथ है। ओके, और क्या नाम है अपने फार्म का? हमारे फार्म का नाम है उपराज जटाना स्टड फार्म, और मेरे फ्रेंड का है। जटाना आपका सरनेम है? हाँ सरनेम, और वो पहला वाला उपराज जो है मेरे बेटे का नाम है। ओके, उसके नाम पर रखा गया,
ब्राड स्टार्ट फार्म मेरे फ्रेंड का है जिसे हम पटना है। आपको भी लाओगे घोड़ी कल? कल नहीं, शाम तक आ जाएगी। शाम तक क्या जाएगी? हाँ, शाम तक घोड़ी आ जाएगी, घोड़े कल आएंगे मॉर्निंग। आपका गांव तो मेरे ख्याल से यहाँ से करीब ही है ना, 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, जिस किसी को भी आना है कल आइए आप। ठीक है, आज शाम को भी आओगे तो इतना अंधेरे में मजा नहीं आएगा। सुबह में आ जाओ कल। सुबह में तो कल फुल मेला भरेगा, पूरी रौनक होगी। होपफुली। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू।